नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड के जून के कॉन्ट्रैक्ट की। कल हमने देखा कि गोल्ड अपने एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है और वहां पर इसने इवनिंग तक ट्रेड किया है। मार्केट में कुछ एक अपनी डायरेक्शन चूज़ करने पर लगा हुआ था कि किस डायरेक्शन में जाएगा और फाइनली ये 46,622 पे क्लोज हुआ है। 46,795 का इसने हाई लगाया था और इस ट्रेंड को हम इस देखेंगे तो ये अपने बिल्कुल हाई के आसपास ही कहीं पर क्लोज़ हुआ है और बहुत अच्छे एक मोमेंटम के साथ इसने एक स्पीडी अप ट्रेंड दिखाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें कल का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, कल पूरे दिन ये इस रेंज में ट्रेड करता रहा था और उसके बाद जैसे ही इवनिंग का सेशन शुरू हुआ तो गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट शुरू हुई और फाइनली ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा है वो है 1732 से कुछ ज़्यादा, 1732.50 के अराउंड चल रहा है इस टाइम। और कल का जो इसने हाई लगाया था वो 1734 या 35 के आसपास का कहीं था। तो अब हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि लगभग अपने हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में एक चीज़ जो आपने MCX में देखने को मिली है, मैंने आपको बताया था कि 46,600 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर इसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि ये एक अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा, जो इसने ब्रेक कर दिया। और बहुत ही इजीली ये देखिए, कहीं पर भी ऐसा गिरने जैसा कुछ नहीं लगा, गोल्ड ने अपने आप को सस्टेन करके रखा है। इससे एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वापस एक ऊपर के तरफ शुरू हो गया और ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा नीचे नहीं आ सकता है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, पर एक रुख इसने, एक जो ट्रेंड है अपना, जो दिशा है वो ऊपर की साइड कर ली है। और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 46,091 का। आप इस स्टॉप लॉस को लेके आप गोल्ड में अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको लेवल यहाँ या इससे थोड़ा सा नीचे लेने के लिए कहीं भी आपको मिले तो बहुत अच्छा लेवल होगा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए क्योंकि अभी करीब 1.5 घंटा है मार्केट ओपन होने में और तब उस टाइम गोल्ड कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप गोल्ड को थोड़ा अवॉइड कीजिए ऊपर के लेवल्स पे लेने के लिए। अगर जो कल इसका ओपनिंग लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे अगर आपको मिले तो आप इसमें एंट्री कीजिए और 46,091 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए। आइए मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, 1 घंटे का हमने चार्ट देखा, इसमें आपको थोड़ी वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं होगी। एक इसमें आप अभी फ़िलहाल इस ट्रेंड लाइन को भी आप मार्क करके रखिएगा, ये इस तरीके से जाएगी तो इसके ऊपर ही अभी फ़िलहाल इसे ट्रेड करना चाहिए। तो 4 घंटे का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लेवल थे इसके लोअर हाइज बने हैं। हमारी गोल्ड में इससे पहले एक सेलिंग की कॉल चल रही थी जो ठीक नहीं रही और गोल्ड ने उसे यहाँ पर 46,000 के अराउंड ब्रेक कर दिया था और अब द्वारा हमने एक कॉल ली है जिसमें हम बाइंग में बैठे हैं गोल्ड में। और हमारा इसका नेक्स्ट जो हमारे हमें एक ट्रेंड लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और अब जो इसका एक रेजिस्टेंस हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि गोल्ड में एक बहुत अच्छे सिग्नल आए हैं जिसमें इन लेवल्स के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं, इन लेवल्स के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम अभी अपनी पोजीशन मेंटेन करके चलेंगे और गोल्ड में हो सकता है कि थोड़े से इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले, पर अल्टीमेटली इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ हो चुका है। ये देखिए, हम यहाँ पर तो इसके रेजिस्टेंस हैं ही, बहुत छोटे हैं, कुछ माइनर से हैं, कुछ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट इतना पड़ेगा नहीं, पर ये जो लाइन थी यहाँ पर इसमें इन लेवल्स पे और यहाँ भी इसने बहुत कोशिश करी नीचे जाने की पर गया नहीं और गोल्ड धीरे धीरे एक अप ट्रेंड की तरफ अपना रुख कर गया। तो ये थोड़ा सा लेवल है जो आज मुझे लग रहा है कि शायद 47,000 का लेवल भी ब्रेक कर देगा और अपनी ऑल टाइम हाई पे शायद जाने की कोशिश करे।
आज नहीं तो हो सकता है मंडे ओपनिंग में इसका ऐसा कुछ रुख रहेगा। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग भी होगी, तो देखने का यही होगा कि जो इसने ये ट्रेंड बनाना शुरू किया है इसे ये आगे कितनी कितना एक्सटेंड करता है और कितने सही तरीके से इसे एक्सटेंड करता है। ये डेली चार्ट्स पे एक बार और देख लेते हैं, ये डेली चार्ट्स पे है, ये देखिए डेली चार्ट्स में इसमें हम देखेंगे तो एक डब्ल्यू शेप का ट्रेंड बन रहा है, ये इस तरीके का, तो ये एक उसी तरीके का ट्रेंड होता है कि अपसाइड के सिग्नल मिले हैं हमें इसे, हमें इसमें टेक्निकल लेवल पे। अगर ये यहाँ ना जाता जैसा कि हमारी पहले सेलिंग की कॉल्स चल रही थी, तो फिर इस तरीके का चार्ट पे इंडिकेशन भी नहीं आता और मार्केट नीचे जाता, पर वो कॉल हमारी अनसक्सेसफुल रही, उसमें स्टॉप लॉस हुआ। कल जैसा मार्केट था हमें बाकी सिल्वर की कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और उसे हम अभी भी आगे होल्ड करके चल रहे हैं। क्रूड ऑयल में भी हमारा लॉस रहा है, पर उससे पहले कि जो कॉल थी उसमें हमारा बहुत काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा था। तो गोल्ड में जो है अब हम इस पोजीशन में हमने एंटर किया है, एग्जिट कहाँ करना होगा या होल्ड करके रखना होगा, फिलहाल हम एंट्री ले चुके हैं और आगे का हम ट्रेंड देखेंगे कि कैसा रहता है गोल्ड का, उसी के बेस पर हमारा ट्रेड चलेगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मार्केट रिपोर्ट और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे आपका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ही आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपके टाइमलाइन पे आपको शो हो जाएगा जो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये था मेरा आज का गोल्ड पे वीडियो, धन्यवाद।